वेलकम टू हेल्थ ब्लॉग। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि सम टिप्स जो बैक पेन को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है आपकी। सो नंबर 1 टिप इज़ तो ओवर हैवी वेट ना उठाएं। ओवर हैवी गमले, ओवर हैवी ट्रंक या जो भी ओवर हैवी चीज़, ओवर हैवी बैग ये ना उठाएं, तो उनसे भी बैक पेन हो जाती है। सो अगर उनको उठाना ही है तो उसमें किसी और की हेल्प लें। लेकिन अगर लाइक जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और बैग हैवी है, तो कोशिश करें कि आप उन बैग में इन्वेस्ट करें जिनके नीचे व्हील लगा होता है। सो उससे इतना बॉडी पे जोर नहीं पड़ता है। और अगर कुछ गमला वगैरह उठा रहे हैं हैवी वाला, तो उसमें किसी की हेल्प लें कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू करें। लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन ऑल्सो कॉज बैक पेन। सो थोड़ी थोड़ी शुरू करें, एकदम बहुत ज़्यादा ना शुरू करें। लाइक 15 मिनट में, आधा घंटा, 1 घंटा। सो ज़्यादा एक्सरसाइज से भी बैक पेन हो जाती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज से भी होती है। सो करें एक्सरसाइज, बस थोड़ी थोड़ी करके उसे बढ़ाएं। एंड आप उन बैग्स में इन्वेस्ट करें लाइक जो यहाँ भी एक स्ट्रैप यहाँ भी आ जाता होता है, उनमें जो बैक पैक जिन्हें कहते हैं, वो वाले नहीं जो एक ही साइड में होते हैं। सो वो शोल्डर पेन भी करते हैं, बैक पेन भी करते हैं। कुछ कोर एक्सरसाइजेज आती हैं जो बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन करने पे हेल्प करती हैं, उससे बैक पेन कम होती है, फ्यूचर में भी नहीं होती है। सो वो एक्सरसाइजेज आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। जिसकी आप अपना सिटिंग का पोस्चर जो है उसको करेक्ट करें। सो अगर आप ऐसे झुक के बैठोगे तो उससे भी बैक पेन हो जाती है। काफ़ी देर अगर आप झुक के वाले पोजीशन में बैठे रहते हो तो उससे भी बैक पेन होती। कोशिश करें कि आप सीधे बैठें एंड बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहें। आफ्टर ½ एन आवर या आफ्टर 15 मिनट्स 5 मिनट का ब्रेक ले लें। हल्का सा थोड़ा सा घूम लें, चाहे आसपास में, या थोड़ा सा बाजू को स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा ऐसे बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। तो उससे एक ही पोजीशन से बॉडी थोड़ी सी हिलती है एंड लगातार एक पोजीशन में बैठे रहने से बैक पेन। एंड अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा पिएँ। सो अगर आपको योगा पसंद है करना तो आप योगा कर सकते हैं, वो भी बैक पेन को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है। हैबिट है हाई हील्स पहनने की, सो अवॉइड दैट कि हाई हील्स जो है वो फ्यूचर में जाके आपको बैक पेन कर सकती है। सो या फ्लैट फुटवेयर में आप इन्वेस्ट करें। अगर हील पहनने का मन करता तो 1 इंच से ज़्यादा ना पहने, उससे ज़्यादा शुरू में तो नहीं करेगी, लेकिन आगे आगे जाके वो बॉडी का पोस्चर चेंज करेगी और इन फ्यूचर बैक पेन कर सकती है। अनदर थिंग इज़ थोड़ी बहुत ही रेस्ट करें। अगर ज़्यादा काम किया है तो उससे भी रिकवरी हो जाती है। ना ओवर रेस्ट करें, ना कम रेस्ट करें, मीडियम से रेस्ट जो है वो करें। सो अपने काम को भी एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें। एक ही टाइम सारा काम करने से भी हो जाती है। हर दिन में एक प्लानिंग से जाएँ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस टाइम, उससे भगदड़ नहीं होती है। एंड भगदड़ नहीं होती है तो आराम से काम होता है एंड तो बैक पेन नहीं होती है। सो दीज वर द थिंग्स जो बैक पेन को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल।